हे दोस्तों, व्हाट्सएप, क्या आप भी हमारी तरह सोशल मीडिया के दीवाने हैं? यदि हाँ, तो आज हम आपको बताएंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, इजी कनेक्टिविटी। आज सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को आसान और सरल बना दिया है। यहाँ पर हम नए और पुराने दोस्तों से जुड़ सकते हैं तथा एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। नंबर टू, रिलेशनशिप। सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ सकते हैं, साथ ही हम नए तथा पुराने रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर थ्री, स्मार्ट स्टडी। सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। आज हम इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट स्टडी आसानी से कर सकते हैं। नई नई सूचनाओं की जानकारी भी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर वन, टाइम वेस्टिंग। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा बहुत सारा कीमती समय ऐसे ही वेस्ट होता जा रहा है। खासकर आज के युवा अपना समय फालतू की चैटिंग वेटिंग में ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। नंबर टू, मिसयूज। सोशल मीडिया का यूज़ करके बहुत से लोग फेक आईडी बनाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, जैसे गलत मैसेज सेंड करना, लड़कियों के फोटोज़ को एडिट कर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना, जिससे हमारी सोसाइटी पर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर थ्री, लैक ऑफ प्राइवेसी। सोशल मीडिया यूजर्स का अपना पर्सनल डेटा बिल्कुल सिक्योर नहीं रहता। आज हमारा इम्पोर्टेंट डेटा हैकर्स और गलत लोगों के हाथों में चला जा रहा है, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट तथा बैंक अकाउंट भी खतरे में है। नंबर फोर, एडिक्शन। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा बहुत सारा समय वेस्ट होता जा रहा है। एडिक्शन की वजह से आज अपनों में दूरियां बढ़ रही है और लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। नंबर फाइव, डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम किसी ज़रूरी काम को कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया की वजह से हम उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हैं, जिससे कोई भी काम परफेक्ट नहीं हो पाता है। आजकल हम वाहन चलाते समय भी मोबाइल और ईयरफोन्स आदि का यूज़ करते हैं, जो कि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। नंबर सिक्स, हेल्थ। आज हम सोशल मीडिया की वजह से दिनों दिन आलसी होते जा रहे हैं। निरंतर प्रयोग के कारण हमारी आंखों पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.